नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इसका कोचिंग के ठोड़ में। मैं अनुज नागर, जैसा कि आप जानते हैं हम आपको यहाँ पर एसडी यादव की मैथ की बुक पढ़ा रहे हैं और इसमें आपका बट्टा डिस्काउंट वाला चैप्टर आपका चल रहा है जिसकी 3 क्लासें हो चुकी हैं। उससे आगे के क्वेश्चन तुम्हें आज कराए जाएंगे, पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और वीडियो को कंप्लीट देखा करें। और जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, अगर किसी को चैप्टर वाइज और चैप्टरों की भी वीडियो देखनी है, कंटिन्यू वीडियो देखनी है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अभी तक जो आपके क्वेश्चन हुए थे क्लास 3 में, 94 तक क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब 95 पे आ जाएं आप। क्वेश्चन नंबर 95, एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य 320 रुपये है। मुद्रित से मतलब है अंकित मूल्य। एक खुदरा व्यापारी उसके लिए 244 रुपये 80 पैसे का भुगतान करता है। कोई वस्तु है, उस पर लिखा हुआ कितना था, 320 रुपये। अब कोई खरीदने आया उसे और कितने में खरीद के ले गया, 244 रुपये 80 पैसे में वो खरीद के ले गया। उस पर 2 किरमिक छूट मिली थी उसे, जब उसे रेट 320 बताए थे उसके बाद उसे 2 छूट दी गई थी। एक छूट तो उनमें से 10% है, दूसरी आपसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब एक छूट आपको दे रखे और दूसरी छूट आपसे बूझे। पर इससे भी पहले मैं आपको छूट परसेंट निकालना सिखा दूं, है ना, क्योंकि पहले तो छूट परसेंट निकालना आना चाहिए। तो दूसरी छूट तभी निकालेंगे जब एक छूट आपको निकालनी आती हो। जैसे सपोज करो, इधर देखो, ये लिखा हुआ है किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपये है, ठीक। और उसे जो है छूट डिस्काउंट 20 रुपये का उस पर डिस्काउंट दे दिया गया उसे, और आपसे ये पूछ रहा है बताओ उसे कितने परसेंट की छूट दी गई। तो छूट परसेंट मतलब डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं। अच्छा, इससे पहले आपको लाभ हानि पढ़ाई थी तो उसमें हमने 2% निकाली थी, एक तो लाभ परसेंट और हानि परसेंट। तो लाभ परसेंट कैसे निकाला था, लाभ बटे, लाभ और हानि किस पे डिपेंड होते हैं, किराए पे। तो लाभ बटे किराए और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100। और हानि परसेंट कैसे निकाला था, लॉस परसेंट बराबर, लॉस भी किराए पे होता है बटे किराए गुणा 100। 100 की गुणा परसेंटेज लाने के लिए करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर किसी की भी आपको परसेंटेज निकालनी है तो उसे तो रखते हैं ऊपर, और बटे में वो रखा जाता है जिस पे वो हो। तो लाभ और हानि तो किराए पे होते हैं, लाभ और हानि किस पे होते हैं, किराए पे। पर छूट किस पे दी जाती है, बहुत बार बता चुका हूँ, 3 क्लास हो चुकी है पहले। छूट दी जाती है केवल अंकित मूल्य पे। किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे दी जाती है। और सपोज करें ये क्वेश्चन ऐसे ना, ऐसे था कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है और उसे 80 रुपये में बेच दिया गया। कितने रुपये में बेच दिया गया, 80 रुपये में। अंकित मूल्य 100 रुपये था और उसे 80 रुपये में बेच दिया गया, बताओ उसे कितने परसेंट की छूट दी गई। तो जिस तरह लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे किराए और हानि परसेंट बराबर हानि बटे किराए होता, उसी तरह छूट परसेंट बराबर भी छूट बटे। अब छूट किस पे दी जाती है, जिस तरह लाभ और हानि किराए पे होते हैं उस तरह छूट अंकित मूल्य पे दी जाती है। तो छूट बटे अंकित गुणा 100। ये 100 की गुणा तो बस इसलिए है कि परसेंटेज लाने के लिए 100 की गुणा करते हैं। अब आप इसे फॉर्मूले की तरह याद करने की कोशिश मत करना, सीधी सी बात है। छूट परसेंट कैसे निकालते हैं, छूट बटे किस पे छूट दी जाती है, गुणा 100, और छूट अंकित पे दी जाती है, ठीक है। तो छूट परसेंट ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर हम पूरा करते तो 100 बताए थे, 80 में खरीद लाए तो कितने की छूट मिली, 20 की, किस पे, 100 पे। तो कितना आ जाएगा, 1/5 कितना होता है, 100 की गुणा करने की जरूरत भी नहीं है, 20%, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आता, 20% इसका आंसर आ जाता, ठीक है। आगे समझ, अब आ जाए। अब क्वेश्चन ये है, जब एक छूट तो दे रखी हो और दूसरी छूट आपसे बूझी जाए, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। बहुत आता है ये क्वेश्चन परीक्षाओं में, जब आपको एक छूट दे रखी हो और दूसरी छूट आपसे बूझे। तो अंकित मूल्य कितना है 95 में, 320 रुपये, मुद्रित का मतलब, ठीक।
और इसे कितने में खरीदा, 244.80 रुपये में खरीदा, पर उस पर दो छूट थी, एक तो 10% और दूसरी कितनी। तो अब ये क्वेश्चन आप ऐसे समझे, जैसे हम दुकान पे कोई वस्तु खरीदने गए तो उसका अंकित मूल्य हमें 320 बताया, हमने की जी छूट कितनी है, बोला 10% की छूट आपको दे दी जाएगी, तो इसका 10% इसमें से घटा दो तो 32 ही होगा। जिसका भी 10% निकालना हो तो उसकी लास्ट की जीरो हटा देते हैं, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा है आपका 1, तो कितना हो गया 11, 11 में से 3 गए 8, और यहाँ कितना 2, तो 288 की वो हमें बेच रहा, पर हमने 288 में भी वो नहीं खरीदे, कितने में खरीदे लिखा हुआ है किताब में 244.80 रुपये में खरीदे, 244.80 रुपये में वो हमने खरीदे। देखो दोबारा रिपीट करते हैं, दुकान पे जब गए तो अंकित मूल्य 320 बताया, हमने नहीं खरीदी, उसने एक छूट हमें 10% की दी, तो इसका 10% तो 32 होगा, 32 घटा के वो कितने में बेच रहा हमें 288 में, पर हमने 288 में भी नहीं खरीदी है, हमने 244.80 रुपये में खरीदी, तो एक छूट और मिली है फिर हमें, वो ही बूझ रहा कि वो दूसरी छूट कितने परसेंट है। अब अभी तो बताया था छूट परसेंट कैसे निकालते हैं, देखो ये तो उसने दी थी 32 रुपये की छूट तो हमें, और इतने में वो बेच रहा पर हमने नहीं खरीदा, अब ये मान लें कि वो इतने में बेच रहा और हम इतने में खरीद कर लाए, तो अब दूसरी छूट हमने कितनी ले ली है, 10, 0 तो ऐसे ही आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2, यहां कितने बचेंगे 7 बचेंगे, तो हो जाएंगे 7 में से 4 गया तो 3 और 8 में से 4 गया तो 4, तो दूसरी छूट जो है हमने 43.20 रुपये ले ली उससे, पहली छूट में कितने रुपए घटाए थे हमने 32 रुपये, जो कि वो अपने आप ही दे रहा था, और फिर भी हमने नहीं खरीदा, हमने इतने में खरीदा वो इतने में दे रहा था, तो हमने इतने रुपए और तोड़ा लिए 43.20 रुपये, ठीक है। अब छूट परसेंट निकालनी है, तो अभी तो बताया था छूट परसेंट कैसे निकालते, छूट बटे किस पे छूट, अब रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, कभी ये कहो जी आपने ये बताया था छूट और छूट अंकित मूल्य पे दी जाती है, तो बटे में अंकित मूल्य आ जाएगा कि 43.20 रुपये बटे 320, तो 320 नहीं आने का है, क्योंकि छूट परसेंट निकलता है छूट बटे जिस पे दी गई है छूट। अब ये 43.20 रुपये की छूट आपको 320 पे मिली है या 288 पे मिली है ये बता दो मुझे, तो बस 43.20 रुपये की छूट इस पे थोड़ी मिली है, इस पे मिली है ना, तो हमें तो ये वाली छूट परसेंट बतानी है कि यहाँ के बीच में जो छूट दी गई थी वो कितने परसेंट है, तो रटने की आवश्यकता नहीं है कि छूट परसेंट बराबर छूट बटे अंकित गुणा 100 होता है, नहीं, छूट बटे किस पे छूट गुणा 100, तो ये जो हमें 43.20 रुपये की छूट मिली है वो हमें 320 मतलब अंकित मूल्य पे नहीं 288 पे मिली है, तो बटे में 288 आएगा, 288, और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करते हैं, तो 100 से ये दोनों जीरो कट जाएंगी 100 की इससे, अब आप इसे देख लें कितनी बार ये कट सकता है, 15/8 120 की जीरो हासिल बार है, और 15/8 देखो 15 से शायद ये कट रहा है, 15/8 120 की जीरो हासिल बार है, 15/8 120 और 12 कितने हो जाएंगे 132 को 2 हासिल 13, 15 × 2 = 30 और 13 कितना 43, तो इससे ये 15 बार कट रहा है, तो 15% उसे दूसरी छूट मिली थी, 15%, ठीक है। बस इसमें ये ध्यान रखना कि यहाँ बटे में ये नहीं आने का अंकित मूल्य है कि छूट परसेंट बराबर छूट बटे अंकित गुणा 100, नहीं, ये जो छूट मिली है वो इस पे नहीं, इस पे मिले तो बटे में वही आएगा जिस पे छूट मिलती है, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, कई सारे क्वेश्चन है, समझ आ जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है, 96 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 96, इसमें बोला है एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 1500 रुपये है, उस पर 10% छूट प्रस्तावित है, देखो अंकित मूल्य कितना है 1500 रुपये और 10% छूट वहाँ मिलती है, बोर्ड लगा हुआ दुकान पर बड़ा सा 10% छूट पे देते हैं अंकित मूल्य पे, ठीक है। तदनुसार किसी ग्राहक को कितनी छूट अतिरिक्त दी जानी चाहिए ताकि उसका वास्तविक मूल्य 1242 हो जाए, 10% की छूट तो वो देते ही हैं, तो 1500 का 10% कितना हो जाएगा 150, तो अगर 150 रुपये की हमें छूट मिलेगी तो वो मोबाइल हमें कितने मिलेगा, 10 में से 5 गया 5 और 4 में से 1 गया 3, तो 1350 में मिलेगा, पर वो 1350 में हम खरीद नहीं रहे, हम उसे खरीद रहे 1242 में, 1242
42 में हम खरीद रहे हैं, और वो कितने में बेचना चाह रहा है, 10% की छूट देके 1350 में बेचना चाह रहा है, पर हम नहीं खरीद रहे, हम उसे 1242 में खरीद रहे हैं, तो उससे हमने कितनी छूट और ली है, कितने रुपए और छुटाए हैं उससे। 10 में से 2 गया 8, 4 में से 4 गया 0, और 3 में से 2 गया 1, तो 108 रुपए और छुटा लिए हमने। तो ये ही दूसरी वाली छूट आपको बतानी है। तो छूट कैसे निकलती है, परसेंट में छूट बटे किस पे छूट, तो ये 108 रुपए की छूट 1350 पे मिली, ना कि 1500 पे, तो बटे में 1350 आएगा, बटे में कितना आ जाएगा 1350, और परसेंटेज लाने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100। ठीक है, तो 10 तो कैंसिल हो जाएगी आपकी, है ना। अब कितनी बार ये घट सकता है, 9 बार घट रहे हैं ये दोनों, 12 निम्मा 108 और 15 निम्मा 135। ठीक, तो ये 90/9 हो गया है, क्योंकि 12 निम्मा, तो यहाँ तो 12 आएगा और यहाँ 15 निम्मा, यहाँ 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 12 बार कट गया है 9 इससे, और ये 15 बार कट गया है 9 से। ठीक, अब एक बार और कट रहे हैं ये 4 से कट, 3 से, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, कहने का मतलब सारा सोल्व होकर 8% इसका आंसर आ जाएगा। कितने परसेंट, 8%, तो दूसरी जो छूट है वो 8% है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाए, 96 तो हो चुका है, 97 पे आ जाए। इसमें क्या है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 के घोषित मूल्य के अनुसार उस पर 20% छूट प्राप्त करके खरीदी, उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत अतिरिक्त छूट, ताकि वह उसे 1104 में खरीद ले। तो ये भी इसी तरह क्वेश्चन है, तो करते हैं, अंकित मूल्य कितना है 1500 और उस पर कितने परसेंट छूट मिली, पहली छूट कितनी है उस पर 20%, तो इसका 20% कैसे निकालेंगे, पहले आप 10% निकाल लें, 10% जिसका भी निकालना होता है उसकी लास्ट की जीरो हटा देते हो, तो इसका 10% हो गया 150, तो 20% 300, क्योंकि 10 का डबल होता है ना 20, तो 300 रुपये की छूट हमें मिली है, तो छूट तो घटाते हैं, तो कितने में वो खरीदा जाएगा, 1200 में, पर हमने उसे 1200 में भी नहीं खरीदा है, हमने कितने में खरीदा, 1104 रुपये में, 1104 रुपए में, तो कितने रुपए और छुटा लिए हमने, 10 में से 4 गया 6, यहाँ तो 9 ही बचेगा, 2 में से 1 गया 196 रुपए की छूट किस पे मिली है, 1200 पे, 1500 पे नहीं मिली है, तो बटे में 1200 आ जाएगा, और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करते ही हैं, आपको पता है, तो ये 2 रन 0 तो गई है ना, और ये थोड़ा गलत घट गया है, यहाँ 96 बचेगा बस। ठीक है, कितना बचेगा, 96, क्योंकि इधर से ढाई इधर चली गई, इसलिए तो 12 से 96 कितने बार कटेगा, 8 बार, तो 8% इसका भी आंसर आ जाएगा। और ये छूट, दो सी छूट परसेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, मोस्टली इनके आंसर 15% और 8% सबसे ज़्यादा आते हैं। ठीक, खैर मैंने तो आपको करना सिखा दिया, करना ही सबसे बढ़िया तरीका भी होता है। इससे आगे आ जाए 98 पे, क्वेश्चन नंबर 98, इसमें क्या है, एक मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, कितना है 1600 रुपये, और एक छूट 10% है और दूसरी 1% और 12 से 24 में बेची गई, वही बोल रहा है, तो इसका 10% तो 160 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 160, तो 0, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 1 गया 4, ठीक है, 5 में से 1 गया कितना 4, तो ये कितना हो गया 1440, पर वो खरीदी कितने में गई है, वो वस्तु खरीदी गई है 1224 में, 1224 में। ठीक है, तो 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 2, तो 216 रुपए की छूट किस पे मिली है, 216 रुपए की छूट मिली है 1440 पे, 1440 पर, परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करते ही हैं, ये आपको पता है, तो 10 तो आपके कैंसिल होगी है ना। अब 12 से देखने, क्योंकि 144 12 से कटता है, तो 12 कम 12 बचे कितने, 9 हो गए 96, 12 8 96 और 12 से कितने बार कट गया है, 12 बार कट गया है, 6 से भी कट रहा है अभी, 6 3 18 और 6 2 12 है ना, और 2 से 5 तो 5 3 15% इसका आंसर आ जाएगा, तो दूसरी छूट कितनी है 15%। तो अभी 1 2 3 4 क्वेश्चन हमने करे हैं, तो 2 के आंसर तो 15% छूट आए, 2 के 8%, इनके सबसे ज़्यादा आंसर यही आते हैं 8 और 15। ठीक है,
पर ये जरूरी नहीं है कि सभी क्वेश्चनों के यही आएंगे, ज़्यादा आते, मैंने बस इतना बोला है। तो 99 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 99। इसमें क्या है, 8,000 रुपये की लागत वाली एक वस्तु 11,200 का बिक्री मूल्य अंकित है। लागत कितनी है 8,000, अंकित मूल्य कितना 11,200। उस पर x परसेंट छूट देकर भी यदि 12% लाभ पर बेचा जाए तो x का मान कितना है। तो दूसरी छूट गुजरा, पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, है ना। अब चेंज क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में देखो, अब तक जो 4 क्वेश्चन हमने करे हैं उनमें उसने हमें अंकित और विक्रय मूल्य दे दिया था, तो हमने पता लगा लिया था छूट कितने की है। पर इस वाले क्वेश्चन में इसने हमें अंकित और विक्रय ना दे के अंकित और लागत दिया है, अंकित और लागत। तो सीधी सी बात है, अंकित तो हमें चाहिए ही चाहिए छूट के लिए, विक्रय और चाहिए, तो विक्रय आप निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, विक्रय। तो इसमें बस एक 8% का लाभ हो रहा है। अब मुझे ये बताएं कि लाभ अंकित पे होता है या लागत पे, तो लागत पे ही होता है। तो इस क्वेश्चन को लागत से शुरू करा जाएगा, अंकित से नहीं। क्यों, क्योंकि लाभ परसेंट या हानि परसेंट किरे पे डिपेंड होते हैं, लागत पे डिपेंड होते हैं, अंकित पे नहीं। अंकित से जो छूट पे डिपेंड होता है, अगर छूट दीवाई होती तो अंकित से स्टार्ट करते क्वेश्चन को, और लाभ या हानि देती है तो किरे से स्टार्ट करते क्वेश्चन को। तो 8,000 है, कितना है उसका लागत मूल्य 8,000, और कितना लाभ लेके बेचा है उसने 10% 12% के लाभ पर बेच रहा है। तो या तो इसका 12 निकाल के इसमें जोड़ दो, या इसका डायरेक्ट 112% निकाल दो, तो पता चल जाएगा कितने में बेचा है। तो डायरेक्ट 112% आप निकाल लें, परसेंट हटाने के लिए बटे में जिस 100 आ गया तो 2 जीरो तो कैंसिल होगी आपकी, 12 की गुणा कर लें तो 12 जीरो जीरो, और अच्छा 8 की गुणा करें तो लास्ट की जीरो तो ऐसी आनी है, 8 × 2 = 16 को 6, 8 और 1 = 9, और 8 × 8 = 8। तो उसने 8,960 में बेचा है, है ना, कितने में बेचा है 8,960 में। और बताया कितना गया था, अंकित मूल्य देख लें, 11,200 बताया गया था, 11,200 बताया। तो ये तो अंकित है और ये विक्रय है, ठीक है। अब देखो 11,200 बता के 8,960 में बेच रहे, मतलब हम जब दुकान पे गए थे तो उसने हमें कितना रेट बताया था, 11,200, और हमने कितने में खरीद लिया 8,960 में। तो कितने रुपए छुड़ा लिए हमने, तो घटा लें तो 0, और 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ बचा 1 हो गया 11, 11 में से 9 गया तो 2, और यहाँ फिर 10 से 10 में से 8 गया तो 2, तो 2,240 रुपये छुटाए हमने। तो छूट परसेंट निकालना है, तो छूट, ये छूट किस पे मिली है 2,240 की, 11,200 पे, तो बटे में 11,200 आ जाएगा, 11,200। और परसेंटेज लाने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100, तो 1 जीरो तो ये कैंसिल और 1 जीरो ये कैंसिल। अब ये देखो इसका डबल है, 1 का डबल 2 और 12 का डबल 24, तो इससे 2 बार कट रहा है, तो 10×2 = 20% इसका आंसर आ जाएगा। कितने परसेंट, 20%। तो यहाँ तो सिंगल ही छूट निकालनी थी, सिंगल छूट, तो सिंगल छूट 20% है ये। तो ये क्वेश्चन आपके 99 तक हो चुके हैं। अब इससे आगे जो क्वेश्चन है वो है विविध, और विविध थोड़े से टफ होते हैं, बस थोड़े से होंगे, ध्यान दें, बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाए, इसमें कहा गया है एक पुस्तक का अंकित मूल्य 165 रुपये और उसे 132 में बेचा गया। ये तो बिल्कुल आसान है, अंकित मूल्य कितना है 165 है, और उसे कितने में बेचा गया 132, मतलब 165 बताए और 132 में बेच दिया, तो कितने रुपए की छूट हो गई है ये देख लें। तो 5 में से 2 गया 3 और 6 में से 3 गया 3, तो 33 रुपए की छूट हुई है, किस पे 165 पे, तो बटे में 165 आ जाएगा, क्योंकि छूट परसेंट ही बूझ रहा है, तो बटे 165, और परसेंटेज लाने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं, ठीक है। अब देखो ये इससे 5 बार कट रहा है, या 100 की भी आवश्यकता नहीं है, देखो 1/5 आ जाएगा, तो 20% इसका आंसर आने वाला है आपको, कितने परसेंट 20, चलो कोई नहीं। तो इससे ये कितनी बार कटेगा, 5 बार, क्योंकि 5 से 100 कितनी बार कटेगा, 20%, तो 20% की छूट दी गई है, ठीक। तो विविध का पहला क्वेश्चन तो आसान था बिल्कुल, इससे आगे आ जाए 101 पे, क्वेश्चन नंबर 101। इसमें क्या है, श्रीमान ए ने एक रेफ्रिजरेटर उसके अंकित मूल्य पर 16 सही 2/3% छूट प्राप्त करके खरीदा, 16 सही 2/3,
अब देखो ये लिखा हुआ है 16 से ही 2/3% की छूट, तो आप इसे 16 कर लें, 16 * 48 और 2 = 50, तो इसे हम लिख सकते हैं 50/3%, और परसेंट हटाने के लिए बट्टे में 100 हो जाएगा, तो 50/300 हो जाएगा ये, ठीक है चलो खैर वो देख लेंगे। छूट प्राप्त करके खरीदा, अगर उसने वही 25% छूट पर खरीदा होता, कितने परसेंट छूट पर खरीदा होता, 25% छूट पर खरीदा होता, तो उससे 600 रुपये अधिक बचत हो जाती। मैथ में अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे होगा जो मैंने आपको पीछे कराए थे, परसेंटेज का अंतर बराबर रुपयों का अंतर, क्योंकि ये कह रहा है 600 रुपये अतिरिक्त बचत हो जाते, अतिरिक्त का मतलब अधिक होता है, तो इससे तो ऐसे ही करेंगे, परसेंटेज का अंतर बराबर रुपयों का अंतर, तो कितने परसेंट अधिक कह रहा है, 25% में, और हमने बेका कितने में है, 50/3% में, ठीक है। तो परसेंटेज में अंतर तो ये हो गया, और रुपयों में अंतर कितने का बताया उसने, 600 रुपये अधिक कह रहा है, तो परसेंटेज का अंतर बराबर रुपयों का अंतर रख देंगे, तो इधर इसकी गुणा हो जाएगी, तो 75 में से 50 गए, तो 25/3% आया, 25/3% और बराबर 600। अब बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा, 25/3 से दोनों तरफ भाग कर दो, जो इधर होता है उससे दोनों तरफ भाग करते तो एक निकल जाता है, तो इधर तो वन ही बचेगा जब 25/3 से भाग करेंगे, और इधर क्या हो जाएगा, 25/3 घूम के पहुंच जाएगा ऊपर। अच्छा एक निकालने के बाद क्या निकालते हैं, ये एक निकल चुका है, 600 × 3/25 ये एक की वैल्यू है, ठीक। एक निकालने के बाद क्या निकालते हैं, जो हमें निकालना है। अब अगर ये लागत बूझ रहा होगा तो 100 पे निकल जाएगा, पर ये लागत नहीं बूझ रहा है, उसने कहा वह रेफ्रिजरेटर कितने में खरीदा था, तो वो 50/3% छूट पे खरीदा था, है ना। तो अगर वो 20% छूट पे खरीदता तो हम इसका 80% निकालते, क्योंकि छूट को 100 में से घटा लेते हैं। अगर वो 30% छूट पे खरीदता तो 100 में से 30 गया 70, तो हम इसका 70% निकाल देते, है ना। और अगर वो 10% छूट पे खरीदता तो 100 में से 10 गए 90, तो हम 90% निकाल देते। पर उसने कितने परसेंट छूट पे खरीदा, 50/3, तो 50/3 को 100 में से घटा लो, आप 100 में से 50/3 को घटाओ तो 300 हो जाएगा, जब इसकी इधर गुणा करेंगे तो 300 में से 50 गया 250/3% आपको निकालना है बस इसका, तो 250/3 और परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 ले लो, ठीक है। बस अब आप इसको सोल्व कर ले तो ये ही आपका आंसर हो जाएगा, ये 0 तो दोनों कैंसिल हो चुके हैं, और 25 से ये गया 10 बार, तो ये 6 * 18 की 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 इसका आंसर आएगा, 180 रुपये। और इसमें शायद कहीं गलती हो चुकी है, क्योंकि ये आंसर 180 तो ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो इसमें जो गलती हुई है, जैसे ये हमने घटाया था 50/3 को 100 में से, तो 250/3% आया, तो 250/3% निकालना, तो 250/3 की दोनों तरफ गुणा हो जाएगी बस, तो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे कितने बार कैंसिल होगा, 10 बार, तो 600 में जब 10 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6000 इसका आंसर आ जाएगा। इससे आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 102 पे आ जाए। 102 में क्या है, एक दुकानदार सभी ग्राहकों को 5% छूट देता है, सभी ग्राहकों को कितने परसेंट छूट देता है, 5%, और सदस्यों को 15% अतिरिक्त। सदस्य का मतलब क्या है, जो आदमी उसी दुकान में काम करता है, अगर उस आदमी को उस दुकान से कोई सामान खरीदना है जो उस दुकान में काम करता है, तो उसे 15% की और फालतू छूट देता है। 5% तो सबको मिलती है, और अगर सदस्य ही है दुकान का, जो वर्कर है, अगर वो वहाँ से सामान खरीदेगा तो 15% और फालतू छूट दे दी जाएगी। यदि दुकानदार ने भूल से किसी सदस्य मतलब जो वहीं वर्कर था, सदस्य से उस वस्तु के लिए 40,000 ले लिए जिसकी मूल कीमत कितनी थी, 50,000, मतलब अंकित मूल्य 50,000 रहा, और 5% की एक छूट और 15% की एक छूट समझ के उसने उसे वो 40,000 में दे दिया, है ना। तो ये कह रहा सदस्य को कितने का लाभ हुआ। अब देखो अंकित मूल्य कितना था, उसका अंकित मूल्य था 50,000, है ना।
अब ये सदस्य खरीद रहा है तो इसे कितनी छूट मिलेगी, 5% की तो एक छूट मिलेगी और 15% की एक, तो इसका 5% निकालो और इसमें से घटा दो, तो इसका 5% कितना होगा, पहले आप 10% निकाल लें, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 5,000, क्योंकि एक जीरो ही तो हटा देते हैं, जब 10% निकालना हो तो जब एक जीरो हटेगी तो ये 5,000 बच जाएगा। अब हमें 10% नहीं 5 चाहिए तो आधा कर दो, 5,000 का आधा कितना होता है, 2,500, तो 2,500 रुपये की तो छूट सबको ही मिलनी थी, 2,500 रुपये की छूट तो सभी को मिलनी थी, ठीक है, घटा लें 0,0, अब 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4, तो 47,500 में बिक रही है वो, पर इसे 15% की और छूट मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये खरीदने वाला सदस्य ही है, दुकान का वर्कर ही है। अब इसका 15% निकाल के इसमें से घटा दो, है ना, तो देखो अलग को निकाल लेते हैं, अगर 15% निकालना है तो 15/100 हो जाएगा, तो दोनों जीरो तो आपकी कैंसिल हो जाएंगी, बस 15×75 को 5 हासिल 7, और 15×7 105, और हासिल कितने लगे थे 7, तो 105 और 7 112 को कितना हो जाएगा 2, हासिल 11 और 15×64 और 11 कितने हो जाएंगे 71, है ना, तो इतने रुपए और छूट दी जाएगी इसे, क्योंकि ये सदस्य जो है दुकान का ही वर्कर है, 7,125 रुपए की छूट और दी जाएगी इसे। तो ये वस्तु कितने में बिकनी चाहिए वर्कर को, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, और 7 में 7 गया 0, और ये तो 40,375 रुपये में बिकनी चाहिए थी ये, पर बेग कितने में दी, 40,000 में बेग दी, तो कितने का फायदा हो रहा है, 375 का, क्योंकि 40,000 में बेकी है और बिकनी थी 40,375 में, तो 375 का लाभ हो रहा है, ठीक है, समझ आ गया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 पे आ जाएं। इसमें क्या है, एक वस्तु के मूल्य पर 20% छूट एक अन्य वस्तु पर 25% छूट के बराबर है, 20% छूट जो है 25% छूट के बराबर है, तो 5×20 और 5×25, जब वस्तुएं बराबर में हो संख्या और उन्हें अनुपात में ले जाए बिना क्वेश्चन नहीं होता है, तो अनुपात में कैसे लेके जाते हैं, शॉर्टकट क्या है, बाद वाले को पहले लिख देते हैं और पहले वाले को बाद में, तो 5:4 आ गया ये, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, तदनुसार दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य क्रम से कितना हो सकता है, तो एक्यूरेट नहीं है, तो ये जो हो सकता है कितना हो सकता है, ये 50 और 40 भी हो सकता है, 500 और 400 भी हो सकता है, है ना, 1,000 और नहीं 5,000 और 4,000 भी हो सकता है, और 50,000 और 40,000 भी हो सकता है ना। अब ऑप्शन पे डिपेंड है, जिस ऑप्शन को कैलकुलेट करने पर 5 और 4 का रेशो आ जाए, तो पहला ही जो इसका ऑप्शन है इस क्वेश्चन का वो है 1,800 है, 1,800। अब इन्हें सोल्व करके देख लें क्या रेशो बन रहा है, तो 2 जीरो तो कैंसिल होगी, 2×5 = 10 और 2×4 = 8, तो ये ही आंसर हो जाएगा पहला वाला ही, है ना, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, और भी हो सकता है ऐसी संख्या जिनका अनुपात 5:4 है, ठीक। इससे आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 104 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 104। अब 104 में क्या है, रहीम ने एक टीवी उसके सूचीगत मूल्य से 20% छूट पर खरीदा, जो भी उसका अंकित मूल्य था सूचीगत से, मतलब 20% छूट पर खरीदा, और उसने वही 25% छूट पर खरीदा होता तो उसने 500 रुपये बचा लिए होते, तो ये तो वही है, परसेंटेज का अंतर बराबर रुपयों का अंतर, तो परसेंटेज में तो 5% का अंतर है, रुपयों में 500 का, तो 5% बराबर कितना हो जाएगा 500, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 100। अब आप ये देखना आपसे क्या पूछा गया है, तो ये आपसे पूछ रहा है
तदनुसार रहीम ने वह टीवी कितने में खरीदा था? तो उसने 20% छूट पे खरीदा था, तो 80% आप निकाल लें, क्योंकि छूट को 100 में से घटाते तो 80 की दोनों तरफ गुणा कर दें, तो जब 80 की दोनों तरफ आप गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8000। ठीक, 105 पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 105। अब 105 में क्या है, एक दुकानदार कोई वस्तु 450 में खरीदता है, कितने में खरीद के लाया है, 450 में, वह उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता, तो इसके लिए तो क्रय मूल्य 450 ही है ना, अब 20% अधिक अंकित कर रहा है, तो देखो 450 में खरीद के लाया है तो ये क्रय हो गया, और क्रय से 20% अधिक अंकित कर रहा है, तो इसका 20% कितना होगा, पहले 10% निकाल लें, तो इसका 10% हो जाएगा 45, और 20% 45 का डबल 90, 90 रुपये अधिक लिख दिए इस पर, तो कितना लिख दिया है, 0, 9 और 5 14, 540 रुपये लिख दिया है, 450 में खरीद के लाया था। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, और उस द्वारा दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात कीजिए यदि वह उस वस्तु को 496 रुपये 80 पैसे में बेच देता है। अब इसने ये वस्तु 496 रुपये 80 पैसे में बेच दी, तो ये पूछा जा रहा है कि इसने कितने परसेंट छूट दी। अब छूट परसेंट कैसे निकालते हैं, अभी बताया था, पहले ये पता लगा लें छूट कितनी है, तो 0 और 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ कितना बचा, 9, अब 9 में से 6 गया तो 3, यहाँ कितना बचा, 3, तो कितने हो गए, 13, अब 13 में से 9 गया तो 4, तो 43 रुपये 20 पैसे की छूट मिल ली। अब वो किस पे मिली है, इसे 540 पे, कितने पे मिली है, 540 पे। ठीक है, अब छूट परसेंट कैसे निकालते, छूट बटे किस पे छूट, तो गुणा 100, ये लीजिए, तो इस 100 से ये दोनों पॉइंट तो खत्म, और 0 से 0 खत्म है। ठीक है, अब आप देख लें इसे कितनी बार कट रहा, 8 चौक 32 को 2 और हासिल 3, 8 पंजे 40, 3 43, तो इससे 8 बार कट रहा, तो इसका आंसर आ जाएगा 8%, कितना आ जाएगा, 8%। ठीक है, इससे आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 106 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 106। अब इसमें क्या है, 106 में बिजली के बिल पर नियत समय के भीतर भुगतान करने पर 15% छूट जाएगा, अगर नियत समय पर बिल का भुगतान करोगे तो 15% छूट दी जाएगी, तदनुसार यदि किसी व्यक्ति को नियत समय पर अपने बिल का भुगतान करने पर 54 रुपये की छूट मिली, तो परसेंटेज में छूट कितनी है, नियत समय से 15, और रुपयों में कितनी है, 54, तो रख दें, तो 15% बराबर